किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर आप अपने वचन के पक्के, निडर एवं साहसी हैं तो आप मौत को भी हरा सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है निडर एवं साहसी। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जब रात्रि के समय अपने कक्ष में सो रहे थे, एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार चुपचाप से पहले से ही उस कमरे के भीतर घुस आया था और छिपकर वहीं रात्रि होने का इंतजार कर रहा था। उसने शिवाजी को मारने के लिए तलवार निकाली और जैसे ही चलाने की कोशिश की, तभी पीछे से तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वास पात्र और उनकी सेना के सेनापति थे। तानाजी ने उस लड़के को कक्ष में प्रवेश करते पहले ही देख लिया था, किंतु वह देखना चाहते थे कि यह क्या करने के लिए आया है, और वह उसे देखने उसके पीछे पीछे आए थे। शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? बालक ने कहा, मेरा नाम मालोजी है, मैं आपकी हत्या करने आया था। शिवाजी, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैंने तुम्हारी कौन सी हानि की है? बालक बोला, आपने मेरी कोई हानि नहीं की है, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है, हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सौभाग्य राय ने मुझे कहा था, यदि मैं आपको मार डालूं तो वह मुझे बहुत सारा धन देंगे। तानाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ से तू महाराष्ट्र के उद्धारकर्ता का वध करना चाहता था, अब मरने को तैयार हो जा। बालक तनिक भी डरा नहीं। उसने तानाजी के बदले शिवाजी से कहा, महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूं, मुझे अपने मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी माँ बीमार है और उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, वह बहुत भूखी है, वह मरने को पड़ी हुई है, आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए, माता के चरणों को प्रणाम करके मैं फिर वापस आपके पास लौट आऊंगा। मैंने आपको मारने का प्रयत्न किया है, अब आप मुझे मार डाले यह तो ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा समय दीजिए। तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देना भाग कर जाना चाहता है? बालक बोला, मैं नहीं भागूंगा महाराज, मैं मराठा हूं और मराठा झूठ नहीं बोलता। शिवाजी महाराज ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और वह बालक घर गया। अगले दिन सवेरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक बुलाया गया, वह वही मालोजी था। मालोजी ने दरबार में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूं, माता का दर्शन कराया हूं, अब आप मुझे मृत्युदंड दे। छत्रपति शिवाजी सिंहासन से उठे, उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राणदंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण। बालक मालोजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त हो गया। छत्रपति ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राज्य वैद्य को भेजा और बहुत सा धन उपहार में भेज दिया और उसकी माँ के लिए उचित उपचार की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, वचनबद्धता, निडरता और साहस यदि हमारे अंदर है तो हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि हमें वचनबद्धता अपने अंदर लानी चाहिए, निडरता लानी चाहिए और साहस होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।